कैसा लगा? देखते मेरे को बीच इतने ज्यादा पसंद है और उस पर सरप्राइज मिल जाए, ओहो क्या ही बात हो गई। इनकी लाइट बुझ गई। ओ बेटे वहां पे तो प्रपोजल चल रहा है। शर्म कर, शर्म कर। हेलो मामू। रेडी हो? पैकिंग कर ली आपने? आप मुझे बॉल चेक को हिम्मत आ रही है। चलो चलो एरोप्लेन में जाएंगे। और आप बोल रहे थे एरोप्लेन में क्या होता है? तो हेलो, लास्ट टाइम हम मम्मी पापा के साथ थाईलैंड गए थे, लेकिन दो बच्चे हमारे रह गए थे पीछे। ये। और इस बार ये जा रहे हैं कहाँ? दुबई। कैसे जा रहे हो? एरो एरो। तो ये अपने मामा के साथ जा रहे हैं अपने मामा से मिलने। No money, no honey, बस। एक मिनट, ये कहाँ से आ गया? तो पहली बार ये जाने वाले हैं और फ्लाइट में पहली बार बैठने वाले हैं दोनों एक साथ, और वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट। क्या बात है, हम तो नानी के घर जाते थे छुट्टियों में। तो तुम जा रहे हो दुबई? हम भी मामू के घर जा रहे हैं छुट्टियों में। चलो चले, चलो रेडी भैया? रेडी बस रेडी। Yes. लव यू, अंदर हो गए। तो फाइनली अपडेट ये है कि हमारे दोनों बच्चों को प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि दुबई जाने के लिए जब तुम्हारी अराइवल डेट जो है उस टाइम पे तुम्हारी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, जब तुम उतर रहे हो दुबई में। तो एक दिन से रह गए ना? वो एक दिन से रह गए, और हमने बहुत जगह बात करी, हर जगह बात करके ट्राई किया, सबने यही बात कहा कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। जिनके लिए हम जा रहे थे, जिनके लिए सब कुछ हो रहा था, वो ही नहीं जा पाए। मतलब बता नहीं सकता, मेरी फ्लाइट छूट जाती तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना आज हो रहा है। क्यों सर नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा। थोली बना लो आप घर पे, फिर ना मैं आपके लिए दुबई से बढ़िया चीज़ लेके आऊँगा। आप सरप्राइज कर, सरप्राइज दूंगा दोनों को, ठीक है? बढ़िया वाला। तो हम दुबई आ गए थे कल, और हमने बस रात को आके सोए हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेट थे, बच्चे आ नहीं पाए, उनके लिए ही सब कुछ प्लान किया था। और हम तो बस ऐसे ही आए थे, क्योंकि हम आते रहते हैं, हमने सब देखा हुआ है, हमें उन्हें दिखाना था। अभी सब बाहर गए हुए हैं काम से। ओ सोनिया के 1 मिलियन हो गए हैं ऑन यूट्यूब। क्या कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं हाँ, इतना लंबा वेट किया हमने, इसकी मेहनत करी है, फाइनली रीच दैट। तो मतलब अभी जस्ट हम आने वाले थे तभी हुए थे, हम बता नहीं पाए एकदम से, हमारा जब प्लान बना था तभी इसके हो गए एक दिन पहले। तो अब हम आ गए हैं, वो भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करने की ट्राई करेंगे, खाना पीना खा के। ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं तो नॉर्मल। हैप्पी होली नेक्स्ट डे। बच्चे नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम आ गए हैं होली मनाने। अभी मतलब कुछ किया नहीं है हमने, कलर लेके आ रहे हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे होली, तो अभी रमजान चल रहा है तो ज्यादा ऐसे होली पार्टी वगैरह नहीं हो रही, वरना यहाँ पे सीन बहुत ज्यादा क्रेजी होता है। लेकिन अभी थोड़े मगली के बच्चे दिख रहे हैं, उनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं ना। ओके, ये नहीं करना था। हैप्पी होली ये वाली पार्टी तो हो गई, आओ दूसरी जगह होली पार्टी पे चलते हैं। लेट्स गो। इन 3, 2, 1 point 0. Hello. बच्चों के बिना कैसा लग रहा है? बहुत सुना सुना लग रहा है।
सोना सोना एक्चुअली मैं लग गया रंग दे थे अभी उन्हें पकड़ के। हाँ हम तो सोच रहे थे किसी को मिलके पीटेंगे वो चांस नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, थोड़ा साफ हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गए, हमने सोचा नहीं था इतना भी खेलेंगे अब। तो पूरा ही लाल पीला हो रखा है। फुल पार्टी इस वैसी वाली नहीं हो रही है बट रोड पे पार्टी तो हम कर ही रहे हैं अब। या गलियों में गलियों में घूम रहे हैं छोटे प्यारे प्यारे पंजर यहाँ पे लो कायम। हम आए डॉग पार्क में डाउनटाउन में और इतने प्यारे प्यारे अच्छे भैया मिल रहे हैं। इसकी पेंसिल ज्यादा शार्प हो गई है। ये बहुत क्यूट है। ये सो क्यूट। ओह माय गॉड। ओए कुत्ते। तो अप्सरा पेंसिल नाम रख दे आपका अप्सरा। ओए ओए कैसे हो आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। आलू 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 प्री मसाजेस। प्री मसाज हो रही है इसकी तो। आई सैमी आप भी आगे मसाज करेंगे। ओ ये है फेवरेट डॉग और आ गए। क्या हो रहा है ये। तो बच्चे तो आए नहीं जिनके बारे में हम बात कर करके ऑलरेडी 100 बार रो लिए। लेकिन मेन रीजन एक और था हमारे आने का, मतलब ये रीजन नहीं था, हम जब आ रहे थे तभी सोने के चैनल पे उसके 1 मिलियन हो गए। यस यस। अरे वाह अरे वाह, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो बिल्कुल पीछे जो शो में नहीं बजती है तालियां वैसे बजिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए सोनिया को ले चलते हैं कहीं घुमाने। सोनिया ऑलरेडी ऐसे रेडी रहती है जैसे पता नहीं कौन सी पार्टी में ले जा रही है। बोला गया कि तैयार हो जा, तो मेरा तैयार होना इज लाइक ऑल आउट देयर। पूरा माला डिसीजन सी केरे उन बेबे ओल्विडामलो। हम आ गए हैं सनराइज बीच पे। अब पर सनसेट देखने सनसेट 5 बज रहे थे। 5 बज रहे हैं। कैसा लगा? देखता मेरे को बीच इतने ज्यादा पसंद है और उस पर सरप्राइज मिल जाए, ओहो क्या ही बात हुई। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि और अच्छे से मेहनत करेंगे। यस और मोटिवेटेड और पम्प्ड। थैंक यू। आप हमारे ब्लॉग में हैं। पापा मुस्कुराए, आप हमारे ब्लॉग में हैं। ये थैंक यू सो मच इतने प्यारे सरप्राइज के लिए भाई साहब। हाउ डू यू डू इट? मतलब हम पूरे टाइम साथ रहते हैं तब भी ऐसे सरप्राइज पुल ऑफ करना इट्स सो टफ। मैं तो सोचती रहती हूँ क्या करूँ क्या करूँ और फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाती कि क्या बात है। तुमने ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसे लिखना ऐसे बनाना लाइट से 1 मिलियन लिखना। हाँ, हर तरीके का होता है सेटअप। तुम सुबह आए थे देखने? नहीं नहीं, हमने बस ये नेट पे देखा और हमने कहा हमें ऐसे वाला सेटअप चाहिए। बड़ी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये भी सब कर सकते हैं आप, ये इसके कोई पैसे नहीं। लगी लगी देख ले लगी लगी ये रहा। देखो पैर का निशान देखो, एंड तक ये देखो, ये सर्कल है। हमें रेस्क्यू करने आया है कोई, हमारे लिए कुछ नई नई चीजें भी लेके आए हैं। वाओ बोल बेट बोल। यस मान ले पानी और शरबत ये खुद मिला के पीनी है। ये शरबत टाइम। तो पूरे पानी लग रही है। कोई अगर हमें आएगा ना ऐसे पुलिस वगैरह क्या कर रहे हम कहेंगे आप भी पी के देखिए बहुत स्वाद है। टिंटो टिंटो शरबत पी ले। ये बन गया हमारा शरबत शरबत पार्टी। शरबत पार्टी। खाना अभी तक नहीं आया, डिलीवरी भैया पहुंच ही नहीं पा रहे इस बीच पे, वो कहीं और ही पहुंचो यार, दूसरे बीच में चले गए। आई तन मैंने कितनी मेहनत करी है इसको मंगाने में, खाना ही नहीं आ रहा था 1 घंटे से भैया दूर कहीं खड़े हुए हैं।
I go anywhere, anywhere with you, cause you fill my mind, or you fill my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows be my head, when the world is on your shoulder. भाई तन मैंने इसके लिए जो मेहनत की ना या रियली पूरे एक घंटा इसने सर फट गया इसका. यू डिजर्व इट. थैंक यू. ओ बेटे वहाँ पे तो प्रपोजल चल रहा है. शर्म कर. शर्म और कितने हिंट्स चाहिए. चलो करेंगे करेंगे ये भी करेंगे. ये चोचले भी कर लेंगे कभी. तो फाइनली हम वापस तो आ गए थे, लेकिन मुझे पता है सबको जानना है ये कितने का हुआ, कैसे हुआ. वैसे मैं सोनिया के सामने नहीं बताना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, इसको बाद में पता चल ही जाना था. तो 440 तिरम का मेरे को टोटल पड़ा था एग्जैक्टली. कैलकुलेट करते रहे. ये वैसे बहुत ज्यादा महंगा था. हमने जहाँ भी पता किया वो था 1000 दिरहम्स का, उससे भी कहीं ज्यादा का था. लेकिन बाय चांस हम एक दिन बीच पे घूमने गए थे और हमने ऐसे किसी का ये सेम सेटअप देखा, तो हमने सोचा एक बार बात कर लेते हैं. तब हमें किसी का नंबर मिला और उन्होंने हमें ये वाला दिखाया, मतलब अपना इंस्टाग्राम वाला पेज दे दिया था और उन्होंने कहा था कि जो चूज करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा. और मेरे हिसाब से काफी वर्थ इट था, क्योंकि लाइक प्रॉपर स्पेशल डे तुम्हारे लिए प्लान होता है. और बस ये है कि उसमें खाना कुछ नहीं मिलेगा, बस 3 घंटे का सेटअप है. 3 घंटे तुम अपना चिल करो, खाओ पियो, खुद से खाना मंगाओ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी. लेकिन हमने वैसे काफ़ी मज़े करे, सब ने इन्जॉय काफ़ी किया. हम सब बैठे चिल किया, एक घंटा और हमने एक्स्ट्रा आराम से मज़े किए, गेम्स खेले. तो मज़ा तो आया था, बहुत महंगा मज़ा. लेकिन कोई नहीं, वर्थ इट. थैंक यू. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. Won't you sing for me? Till we fall asleep?